इधर से इधर से इधर से अभी दस आगे गई थी साहब मुख्यमंत्री फरीदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने बयान दिया है विकास चौधरी के ऊपर के 13 मुकदमे उन पर दर्ज थे और कल्पित व्यक्ति थे और कांग्रेस ने पहचान नहीं की व्यक्ति का और स्पोक्स पर्सन बना दिया उनको, क्या कहेंगे? देखिए कल और भी वीडियो आए हैं और पुलिस विभाग द्वारा ही जारी किए गए हैं कि 12 मामलों में वो भरी उनको कर दिया गया था। एक मामला कोई है उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा संगीन मामला नहीं था। ये तो राजनीति में इस तरीके के केस उनके सांसद के ऊपर, उनके दूसरे नेताओं के ऊपर, खुद उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष अभी तक हैं, जो गृहमंत्री हैं, उनके ऊपर केस किसके ऊपर नहीं है। इस बात को ये कह करके कि प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, क्या इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं मुख्यमंत्री? क्या इतनी इंसानियत नहीं बची है उनके अंदर या उनके दूसरे पुलिस प्रशासन के अंदर कि वो संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मुद्दे को देख सकें? तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं प्रदेश के और अगर अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार को यहाँ सुबह से लड़ाई लड़नी पड़े अपने उस अधिकार के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरा समय नहीं आया। क्या ये इस तरह की बातें करना सरकार की नाकामी जताता? बिल्कुल नाकामी, ये तो जस्टिफाइड कर ही नहीं सकते ना। कानून अपना काम करेगा, 12 केस में अगर वो हो गए भरी तो उसके बावजूद भी ये क्या, जिस तरीके से कल दोपहर से जब से पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हुई, नेशनल मीडिया ने उठाया, प्रदेश के मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया पे ये मामला चला, तब से भारतीय जनता पार्टी यही करने में लगी हुई है और यही बात कह रही है और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से उनके इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते।